कार्यक्रम के आयोजक हैं आयोजक जैन समाज करोलबाग, अध्यक्ष संजय जैन, कार्यकारी अध्यक्ष ऋषभ जैन, महामंत्री सुशील कुमार जैन सहयोगी, श्री दिगंबर जैन मंदिर छप्परवाला, श्री दिगंबर जैन मंदिर न्यू रोहतक रोड, श्री जैन मंदिर शंकर रोड अहिंसा भवन, श्री दिगंबर जैन मंदिर देवनगर, श्री SS जैन सभा प्रेम भवन, श्री दिगंबर जैन मंदिर शास्त्री नगर, श्री दिगंबर जैन मंदिर मॉडल बस्ती, श्री दिगंबर जैन मंदिर विवेकानंदपुरी, श्री दिगंबर जैन मंदिर मंटोला पहाड़गंज, जैन ऑटो पार्ट्स व्यापार संघ, जय जिनेन्द्र विहार सेवा संघ, अहिंसा विहार संघ। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पटशिष्य राष्ट्र संत परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज एवं सरलात्मा उप प्रवर्तक भंते पूज्य गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव एवं 2550वें निर्वाण कल्याणक वर्ष के शुभ अवसर पर 28 अप्रैल 2024 को दिल्ली के श्री दिगंबर जैन मंदिर न्यू रोहतक रोड से लेकर प्रेम भवन 16 पार्क एरिया करोल बाग तक धूमधाम के साथ भव्य रथ एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका सभी धर्मावलंबियों ने भक्ति भाव पूर्वक आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं रथ एवं शोभा यात्रा की विशेष झलकियां। 28 अप्रैल 2024 को भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव एवं 2550वें निर्वाण कल्याणक वर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली के श्री दिगंबर जैन मंदिर न्यू रोहतक रोड से लेकर प्रेम भवन 16 पार्क एरिया करोल बाग तक परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतवासी पटशिष्य राष्ट्र संत परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञसागर जी मुनिराज एवं सरल आत्मा उप प्रवर्तक भंते पूर्व गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में भव्य रथ एवं शोभा यात्रा निकाली गई। जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव गाजे बाजे के साथ श्री दिगंबर जैन मंदिर न्यू रोहतक रोड पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद महानुभावों का स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर रथ एवं शोभा यात्रा के लिए आज्ञा ली और गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त किया। इसी पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को शोभा यात्रा के बारे में बताया। भगवान महावीर स्वामी पूरे सृष्टि में विचरण करते हुए विहार करते हुए अनेकों स्थान पर जाते हैं और हर प्रणाम करते हैं। ये जो है शोभा यात्रा नहीं है, ये हर प्रवचन की यात्रा होती है। गुरुदेव के आशीष वचनों के बाद एक ओर श्रद्धालुओं ने रजतमयी पालकी पर प्रभु जी को विराजमान किया तो वहीं दूसरी ओर कुछ श्रावक श्रेष्ठियों ने ध्वजारोहण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। ध्वजारोहण के बाद दिव्य जय घोष और बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ रथ यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान
भव्य रथ यात्रा में श्रावक श्राविकाओं ने भावपूर्वक सहभागिता कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। यात्रा के प्रारंभ में ही भक्तों ने प्रभु जी की प्रतिमा को पालकी से स्वर्णमयी रथ पर विराजित किया। रथ यात्रा में धर्म एवं देशभक्ति संदेशों को प्रदर्शित करती हुई कई प्रकार की झांकियां भी शामिल रहीं। धर्म प्रभावना के साथ निकल रही भव्य रथ एवं शोभा यात्रा से नगर का वातावरण अलौकिक बना रहा। प्रभु की शोभा यात्रा में कुछ श्रद्धालु जयकारे लगाते नजर आए तो कुछ श्रद्धालु भक्ति नृत्य में मग्न रहे। भक्ति का आनंद उठाते हुए शोभा यात्रा प्रेम भवन 16 पार्क एरिया करौलबाग पहुंची, जहां पर भक्तों ने प्रभु जी को पांडुकशिला पर विराजमान किया और गुरुदेव का आशीष प्राप्त किया। शोभा यात्रा के पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में श्राविका मंडल द्वारा मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के बाद पुण्यशाली परिवार ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रानावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की।
अगले क्रम में भक्तों को पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर सिखाया गया कि त्याग से ही शांति मिल सकती है। संसार शांति चाहता है, संसार सुख चाहता है, लेकिन सुख कैसे मिलेगा ये रास्ता नहीं बताया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हाथ जोड़िए, ज्ञानात् त्यागः, बोलिए ज्ञानात् त्यागः, त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग होगा और त्याग से शांति मिलेगी। सच्चे ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से। भगवान महावीर स्वामी ने आपको क्या दिया, कोई आपसे पूछे, कोई भी पूछ ले आपको क्या दिया, आप भगवान की पूजा करते हो, पाठ करते हो, प्रार्थना करते हो, जाप करते हो, उनकी प्रभावना करते हो, उनकी वंदना करते हो, उनकी आराधना करते हो। कोई भी व्यक्ति, कॉमन सा कोई व्यक्ति रास्ते में चलते बोले, आज बोले महावीर जयंती, भाई साहब इधर आओ, आपको महावीर स्वामी ने क्या दिया, क्या दिया जो आप पूरे घर बार छोड़ करके दिन रात इस भगवान के पीछे लगे हुए हो, तो क्या दिया, बोलो बोलो। ऐसा लगे सांप सूंघ गया हो, है बोलो क्या दिया। नोटों की गड्डी दे दी कि अब जैन बड़े अमीर हैं, बहुत सारा पैसा दे दिया, और जो छोड़ के गए तुम्हारा सब, है क्या दिया भगवान ने, बोलो। आवाज़ नहीं आ रही पीछे वालों की, जियो। और अच्छा, सासू माँ बोल रही जियो, और बहू बोल रही जियो, और माँ जी तुम भी जियो और हमें भी शांति से, है क्या दिया बोलो। कमाल हो गया भैया, भाई भगवान महावीर स्वामी ने तुम्हें सच्चा ज्ञान दिया। क्या दिया, वस्तु का क्या स्वरूप है, सच्चा स्वरूप क्या है, वो तुम्हें दिया। सच्चा ज्ञान मिलने से शांति मिलती है, झूठे ज्ञान से हमेशा दुख मिलता है। तो मुख्य अतिथि अरुण जैन जी, चेयरमैन वेस्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेड ऑफिस रोहतक रोड पर ही स्थित है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे रोहतक रोड पर ही स्थित है। किसी को बैंक की कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा के लिए बैंक तैयार रहता है आपको फैसिलिटी देने के लिए। मैं निवेदन करूँगा वो आए, और हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा उनको पटका पहनाकर उनका सम्मान करें। प्रवचनों के बाद अगले क्रम में धर्मसभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वैश्य कोऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड के चेयरमैन श्री अरुण जैन जी एवं सहयोगकर्ताओं का कमेटी की ओर से भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद भगवान महावीर जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मणिराज ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। आहार से विचारों की शुद्धि, विचार से संस्कार की शुद्धि। आप प्रैक्टिकल देखिए, एक व्यक्ति मांसाहारी है, क्या है, और एक व्यक्ति शाकाहारी। वैसे मांसाहार हार नहीं होता, मांस भक्षण होता है, मांस कभी आहार नहीं होता है। एक मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति है और एक शाकाहारी है, ठीक है, ओके डन। शाकाहारी व्यक्ति मांस भक्षण की टेबल में जाके बैठ गया, उसके साथ क्या खाने लगा, नॉनवेज खाने लगा, ठीक है ना। तो उसका आहार क्या हो गया, एक हो गया, भोजन क्या हो गया, बोलो, भोजन एक हो गया ना। एक टेबल में बैठ गए और भोजन क्या हो गया, दोनों का एक हो गया। तो भोजन एक होने से विचार भी क्या हो गए, बोलो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जब भोजन एक होता है, भोजन मेल मिलाप कराता है, भोजन प्रेम बढ़ाता है, भोजन स्नेह बढ़ाता है, भोजन आपस में उठना बैठना बढ़ाता है। तो जब भोजन एक हो गया अमित, जब भोजन एक हो गया तो विचार भी क्या हो गए, बोलो, एक हो गए। जब विचार हो गए, एक हो गए, तो संस्कार भी क्या हो गया, बोलो। जब संस्कार एक होगा तो उनकी संस्कृति भी क्या हो जाएगी, तो मंदिर बना के करोगे क्या फिर। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद एक बार पुनः महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया और आयोजन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस वर्ष का भगवान महावीर जन्म कल्याणक कई मायनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। सबसे पहले मैं आप सभी को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब ने देखा होगा
के आचार्य श्री के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से जो भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया गया। इसी पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंगल कलशों से प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। ओम भीम विश्वादि वीरांताञ्जलिने कृष्णप्रियामि स्वाहा। 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 शम के कलशों में जल भरले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोहे सब सावणम, ऐशो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशुरो, मंगलाड़म च सभ्यशम परम हो मंगलम, चतारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली भ्रतोद मंगलम, चतारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली भ्रतोद लोकोत्तमा। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद अंतिम बेला में आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से श्री ऋषभ जैन ने भव्य रथ एवं शोभा यात्रा को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। पिछले 28 वर्षों से निकल होने वाला भगवान महावीर के जन्म कल्याणिक अवसर का यह कार्यक्रम इस वर्ष भी बड़े भव्य रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम में करोलबाग के लगभग 10 मंदिर और डिफरेंट संस्थाएं भाग लेती हैं। ये इस पर एक शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर न्यू रोहतक रोड से शुरू होकर करोलबाग क्षेत्र के डिफरेंट जैन मंदिर और डिफरेंट गलियों से होती हुई प्रेम भवन पर समाप्त होती है। इस वर्ष हमने इस कार्यक्रम में भगवान की रथ यात्रा का को इंट्रोड्यूस किया। भगवान की रथ यात्रा बड़े भव्य रूप से निकली, जिसका समापन प्रेम भवन में आचार्य प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में हुआ। वहाँ पर आचार्य प्रज्ञा सागर जी के प्रवचन एवं भगवान के अभिषेक के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव एवं 2550वें निर्वाण कल्याणक वर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली के श्री दिगंबर जैन मंदिर न्यू रोहतक रोड से लेकर प्रेम भवन सोलह पार्क एरिया करोलबाग तक धूमधाम के साथ निकाली गई भव्य रथ एवं शोभा यात्रा की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आयोजक जैन समाज करोलबाग, अध्यक्ष संजय जैन, कार्यकारी अध्यक्ष ऋषभ जैन, महामंत्री सुशील कुमार जैन, सहयोगी श्री दिगंबर जैन मंदिर छप्परवाला, श्री दिगंबर जैन मंदिर न्यू रोहतक रोड, श्री जैन मंदिर शंकर रोड अहिंसा भवन, श्री दिगंबर जैन मंदिर देवनगर, श्री SS जैन सभा प्रेम भवन, श्री दिगंबर जैन मंदिर शास्त्री नगर, श्री दिगंबर जैन मंदिर मॉडल बस्ती, श्री दिगंबर जैन मंदिर विवेकानंदपुरी, श्री दिगंबर जैन मंदिर मंटोला पहाड़गंज, जैन ऑटो पार्ट्स व्यापार संघ, जय जिनेन्द्र विहार सेवा संघ, अहिंसा विहार संघ।